हेलो डॉक्टर। हेलो नैना, काफी एक्टिव लग रही हो तुम आज। हाँ वो दरअसल मैं अकेले बहुत बोर हो रही हूँ। अच्छा किया कि आप आ गए, और अब मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा फिर तो मैं वाकई अच्छे टाइम पर आ गया नैना। क्या हुआ डॉक्टर, क्या आप क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहा हूँ। कहीं जा रहे हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल। हाँ हम पड़ोसी भी तो है ना, क्या घर जा रहे हैं हम लोग यहाँ से? हाँ नैना हम पड़ोसी तो हैं लेकिन घर नहीं जा रहे। तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज, प्लीज बताए ना। बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। हाथ दिखाओ अपना। शाबाश, चलो अब उसको दबाओ। इतना तो याद ही होगा ना तुम्हें कि ये बंद कैसे होता है। नहीं नहीं उसको दबाओ। हाँ बिल्कुल। एक बात तो बताओ जरा मुझे, भरोसा है ना मुझ पे? जी बिल्कुल। तो चलो फिर मेरे साथ, जल्दी करो, चलो जल्दी उठो, जल्दी उठो। मगर डॉक्टर ऐसे कैसे चलूं मैं? ठीक है नैना तुम चेंज कर लो, वैसे तुम सब कुछ भूल गई हो सिवाय तैयार होने के। चलो आ जाओ। दवाएं वक्त पे लीजिएगा और वीक में एक दफा चेकअप के लिए जरूर आइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इट्स ओके, ख्याल रखिए अपना। गेट वेल सून। तुमने सारे कमरे देख लिए ना, और जो चीजें नहीं थी उनकी लिस्ट बना ली? हाँ बना ली डॉक्टर। यानी सब ठीक है? जी सब ठीक है। माशाल्लाह डॉक्टर आयला कितनी मेहनत से काम कर रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं, जबरदस्त। मलिक मैं गलत तो नहीं कह रहा? ज्यादा दिन तक ना ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएगी, वो इतना आसान काम नहीं है। ये सब तो मैं नहीं जानता डॉक्टर, मगर डॉक्टर आयला बड़ी किस्मत वाली हैं। उनका एक सिग्नेचर होते ही जो फंसा हुआ काम है वो हो जाएगा, यानी ये कि उन्हें काफ़ी दुआएं मिलेंगी और हॉस्पिटल की हालत पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आप मेरी इस बात को याद रखिएगा। किस काम की बात कर रहे हो डॉक्टर? इस हॉस्पिटल के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, उसकी वजह से बहुत परेशानी भी होती है। डॉक्टर आयला के यहाँ आने से पहले जो मसले थे याद है ना? अच्छा वो, हाँ चलो ठीक है, सी यू लेटर। चलो ठीक है, सी यू डॉक्टर। डॉक्टर किस बारे में बात हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक काम जो डॉक्टर मुराद ने रोक के रखा था, आयला ने फाइल साइन कर दी तो हम हार जाएंगे। वो इस पे साइन नहीं करेंगे। क्यों, कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि मैं एपिक को जानता हूँ। एपिक से क्या ताल्लुक है इसका? आप मुझ पर भरोसा रखें, डॉक्टर आयला इस पे कभी साइन नहीं करेंगे। यकीन है तुम्हें? डॉक्टर ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। ओके देखते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले तुम सीट बेल्ट बांध लो। ये हो गया। वो डॉक्टर क्या एक बात पूछूं आपसे? हाँ जरूर पूछो नैना। क्या आप पहले भी मुझे ऐसे ही सरप्राइज देते रहते थे, या मेरी तबीयत खराब होने की वजह से कर रहे हैं ये सब? एक्चुअली सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे सरप्राइज नहीं दिए नैना, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने वालों को सरप्राइज देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, बहुत जिंदगी से भरपूर थी मैं? हाँ बिल्कुल। फिर मैं उम्मीद करती हूँ मैं जल्द वापस पहले जैसी हो जाऊं। हो जाओगी नैना, परेशान मत हो तुम, ठीक है? अब हम चलें? हाँ जरूर। डॉक्टर बाजल, मैं अली बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मुझे वो पेपर मिल गया है जो डॉक्टर आयला का कैरियर खत्म कर देगा। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर आयला को एक प्रपोजल मिला है और जिस पर साइन करते ही उनका कैरियर बिल्कुल खत्म। हॉस्पिटल में कोई भी नहीं चाहता कि वो उस पेपर पे साइन करें। जी जी सर बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना डॉक्टर, आप इस हॉस्पिटल के चीफ बनकर इस हॉस्पिटल के लिए एक नई तारीख रकम करेंगे। जी जी सर ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज डॉक्टर। खेल तो अब शुरू हुआ है।
प्रपोजल है? प्रोफेसर मुराद वाला? हाँ, क्या हुआ? इस पर साइन मत करें। मुझे मेरे जराए से पता चला है कि अस्पताल में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप इस पर साइन करें। लेकिन इसमें लिखे सारे पॉइंट्स तो एम्प्लॉयर्स के हक में है। लगता तो ऐसे ही है मगर ऐसा नहीं है। यानी मुझे ये भी पता चला है कि एपिक, कैसे जराए कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम कोई जर्नलिस्ट हो? मैंने अली को डॉक्टर बाजिल से बात करते सुना है। अच्छा, तो क्या सुना है तुमने? मुझे पूरी बात बताओ जरा। जब मैं अली के रूम के पास से गुजर रही थी तो वो डॉक्टर बाजिल को ये बता रहा था कि कैसा लगा? अच्छी जगह है ना? अरे देख के ना आराम से, अब ये चलाएंगे हम। हाँ लाइए, इधर दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। गुड इवनिंग मैडम। थैंक यू। शायद आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त हाँ हम आ चुके हैं पहले भी, और मैं माजरत करता हूँ, उस वक्त थोड़ा गुस्सा हो गया था और बदतमीजी कर ली थी आपसे। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस वक्त वाकई आपने आसमान सर पर उठा लिया था। लेकिन वाकई आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो हम उस दिन की तरह दोबारा आपसे गाड़ी लेना चाहते हैं, और ताकि थोड़ा जंगल का चक्कर वक्कर लगा ले। जी सर जरूर, क्यों नहीं, बल्कि हमारी गाड़ियां तो पहले से भी बेहतर हो चुकी हैं, अब इनके अंदर कोई भी मसला नहीं है, बेफिक्र होकर जाएं आप। वो उस दिन आप लोगों के साथ एक खातून और भी थी ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप जल्दी से ये पैसे ले लें और हमारी रजिस्ट्रेशन कर दें, हमें जरा जल्दी है। जी ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर सिनान, जब हम पिछली दफा यहाँ आए थे तो हम दोनों के अलावा हमारे साथ कोई और भी था? ना, मुझे लगता है इसे कोई गलत फहमी हुई है, तभी मैंने उसे ठीक करना मुनासिब नहीं समझा। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को। हाँ मजा तो आएगा, लेकिन इस बार जरा ध्यान से, मैं नहीं चाहता कि इस बार भी तुम पिछली दफा की तरह करो। पिछली बार ऐसा क्या हो गया था? कुछ नहीं समझो, बस एक छोटा सा हादसा हुआ था। तुम दरख्त में जाकर टकरा गई। मुझे कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं था ना तुम्हारे साथ। यानी हमेशा मुझे बचा लेते हैं आप। क्या भी रहा था कि ब्रेक लगा, लेकिन तुम हो के स्पीड से गाड़ी चलाई जा रही हो, सुनी नहीं रही? यार मैंने बहुत कोशिश की ब्रेक लगाने की, लेकिन वो लगी नहीं, शायद उसने मुझे खराब बाइक दे दी। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम हो के मजाक उड़ा रहे हो मेरा। यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस तुम्हारी हरकतों पे ऐसी आ गई, क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी। अच्छा जी, तो हंसते रहिए आप। यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। और यहाँ? तो ये थी कहानी। अच्छा, अगर ये सब हुआ था और उसके बावजूद मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं आगे भी जिंदा रह ही लूंगी। नैना, क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? हाँ अभी बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए, इसे खुलकर जीने और एंजॉय करने के लिए। चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ ये लीजिए सर, ये आपके लिए हेलमेट, और ये मैडम आपके लिए। नैना एक्सचेंज कर लें। वैसे तो आपको याद होगा कि इन गाड़ियों को कैसे चलाते हैं। जी बिल्कुल, हमें अच्छे से याद है, वैसे भी आपने गाड़ियां ठीक करवा ली हैं तो कोई मसला नहीं। जी सर बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। ओके नैना, तुम तो सब भूल गई हो यार। चलो बैठ जाओ। नैना, मैं तुम्हें कुछ जगहों पर लेकर जाऊंगा, शायद हो सकता है तुम्हें कुछ बातें याद आ जाए, लेकिन देखो अपने जहन पर जोर मत देना प्लीज, और अगर कुछ याद ना आया तो हम थोड़ा घूम लेंगे, और क्या। ओके। Thank you.
लोग जानती हो, मैं इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा था, मगर डॉक्टर मुराद ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम चले जाओगे तो इस हॉस्पिटल को कौन संभालेगा? क्या हो गया, बात तो सुनो। अरे यार, अच्छा क्या हो रहा था मालिक? अरे कुछ नहीं डॉक्टर आयला, वो जो डॉक्टर मुराद वाला प्रपोजल था उस पे सिग्नेचर कर दिया आपने, और कुछ बातें भी सुनने में आ रही हैं कि हॉस्पिटल के कुछ मुलाजमीन इस बात से खुश नहीं हैं। हाँ, मैं इसीलिए साइन नहीं करी थी क्योंकि लोग नहीं चाहते कि एपिक। मगर डॉक्टर, जो मैंने सुना था वही मैंने आपको बताया था। हाँ जबरदस्त एपिक, बहुत अच्छा किया तुमने। अब ये भी बताओ कि आगे क्या करूं। मगर डॉक्टर, अली तो यही सब कुछ कह रहा था। मलिक। हाँ बोलिए डॉक्टर। ये रूम नंबर 10 के पेशेंट की रिपोर्ट। जी अली, चलो। मलिक जी बोलिए। डॉक्टर आयला, वो प्रपोजल लेकर आओ, मैं अभी उस पर दस्तखत करूंगी, बल्कि अभी के अभी, जल्दी लेकर आओ। अरे डॉक्टर आयला, अब उस पर सिग्नेचर करने का कोई फायदा नहीं है, सबमिट तो वो कल ही होंगे, और आप तो जानती हैं कि कल चीफ डॉक्टर बादल होंगे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं बादल, सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। या मेरे अल्लाह। नैना, तुम्हें पता है पिछली दफा भी हम यहीं आए थे। नैना, सॉरी तुमसे बातों में मगन था तो देखा नहीं मैंने। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं बस घबरा गई थी थोड़ा सा बस। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। नैना, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं कुछ खास तो नहीं, लेकिन कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आया, जैसे कोई और भी था यहाँ हमारे अलावा, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। कुछ अजीब सी कैफियत थी मेरी। खैर छोड़ें इन सब बातों को, मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया आपका। अब हम यहाँ से चलें, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। नैना कोई बात नहीं, आ जाओ चले। आयला, कहाँ जा रही हो, क्या प्लान है आज तुम्हारा शाम का? बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर बाजिल, तुमने अपना खेल बहुत उम्दा तरीके से खेला, लेकिन मैं भी तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने आखिरी वक्त तक इंतजार किया कि मैं उस प्रपोजल पर दस्तखत किए बगैर तुम्हें दे दूं, है ना, ताकि कल तुम आओ और उसको आराम से जमा करवा दो। वाह यार, मानना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस पोस्ट के लिए इस हद तक जा सकते हो। देखो आयला, मोहब्बत अपनी जगह, काम अपनी जगह, यही मेरा उसूल है। तो बताओ ना, आज रात का प्लान क्या है? वेल, मैं काफी थक गई हूँ, बस अब घर जाऊंगी और आराम करूंगी। वैसे भी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सिनान तक को भूल गई, उसका भी हाल पूछना है। हाँ समझ गया, नाराज हूँ मुझसे। बाजिल मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओके नैना, तो ये है जनाब आपका घर, जिंदगी से भरपूर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बहुत अच्छी किचन है। एक्चुअली तुम्हारे लिए जीता था मैंने। क्या मतलब? मैं और तुम एडवेंचर पार्क गए थे। वो रही। ये रही तुम्हारी केस। आई थिंक ये तो खराब हो चुकी है, हम बच्चों की तरह खिलौनों वाली जगह पर गए थे और मैंने ये तुम्हारे लिए जीता। नैना, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? नहीं तो
बुरा कुछ नहीं लगा मुझे, लेकिन एक बात है, इन सब बातों से तो ऐसा लगता है कि मैंने काफी वक्त आपके साथ गुजारा है, तो फिर मैं किसी और लड़के से कैसे शादी करने वाली थी? नहीं, इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम, ठीक है? पहले तुम्हारी याददाश्त आ जाए तो फिर सोचना और फैसला करना, उसके बाद फैसला तुम्हारा होगा, अभी से टेंशन मत लो। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक ले जा सकते हैं? वो दरअसल कपड़े चेंज करने हैं मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ, इस तरफ चलो। बस फिर उसके बाद क्या था? बहुत मजाक करते हो तुम। इस तरह मैं हिना को देख के जैलिस हो रहा हूँ क्या? देखो तो जरा कैसे नजर रही है। हिना? मलिक। हाँ मलिक, तुम्हारा मंगेतर। मलिक, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अभी तो नहीं, मगर आ भी सकता है, समझी? कौन हो तुम? मुझे बताओगे तुम कौन हो? मेरी मंगेतर के साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मलिक जान, तारुफ तो कराने दो। ये मेरे कजन उस्मान, और उस्मान ये मेरे मंगेतर हैं, मलिक। अच्छा, तो ये तुम्हारा कजन है? उस्मान, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मलिक थोड़ा जेलस इंसान है, इसीलिए तुम्हारे साथ देखकर गुस्सा कर रहे थे। हाँ मुझे याद है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। हाँ बिल्कुल। कैसे हो तुम उस्मान? माफी चाहता हूँ, मेरा नाम मलिक है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपके साथ हिना को देखा तो रह नहीं पाया, पर जरा जज्बाती हो गया। अच्छा। हाय मलिक, जब तुम मेरी केयर करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशकिस्मत हूँ मैं। वैसे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, कहीं चलते हैं? क्या ख्याल है, किसी अच्छी जगह पर बैठकर चाय वगैरह पीते हैं? हाँ ठीक है। उस्मान, मैंने तुमको बताया था ना, मैंने मलिक की जान बचाई थी, वरना इसको टक्कर लग जाती, बचा लिया मैंने तुम्हें। हाँ बिल्कुल, इसने मुझे धक्का दिया और खुद गाड़ी के सामने आ गई। नैना, तुम ठीक तो हो? नैना क्या हुआ? वो पता नहीं मुझे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नैना क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कुछ याद आया क्या? हाँ वो मैं अपने पहनने के लिए कपड़े निकाल रही थी तो मेरी नजर इस डब्बे पे पड़ी। जैसे ही मैंने इस डब्बे को उठाया तो मुझे कुछ याद तो नहीं आया, लेकिन महसूस जरूर हुआ, मतलब कुछ बुरा सा महसूस हुआ। डॉक्टर, मुझे यहाँ नहीं रुकना, प्लीज बाहर चलते हैं, मुझे इस डब्बे से दूर ले जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है नैना, मैं तो बस देख रहा था। खैर छोड़ो इसे, जो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है उसे देखने का कोई फायदा नहीं। चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास, चलो।
Come on, छोड़ो इसे, आ जाओ। ले जाओ इसको। डॉक्टर आप वहां क्या ढूंढ रहे हैं? सरप्राइज, ये रहा तुम्हारा केक। मगर ये किस लिए डॉक्टर? क्या मेरी सालगिरह है आज? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारी सालगिरह पर भी मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही केक लाया था। रुको 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 रुको, देखो पहले तुम्हें कोई विश करनी होगी। हाँ। कहते हैं कि बर्थडे वाले दिन कैंडल्स बुझाने से पहले आप जो भी विश करते हैं वो जरूर पूरी होती है। बुझाओ। नैना, कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये सब कुछ आरजी है। वैसे भी हमारा ध्यान तुम्हारी याददाश्त नहीं बल्कि केक की तरफ होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि मैं सिर्फ एक प्लेट लाया हूँ, जिसका मतलब यह है कि ये सारा केक तुम्हारा होगा और मैं सिर्फ प्लेट में लूंगा एक पीस, और ये सारा का सारा तुमने एक झटके में खत्म। आप यकीनन मजाक कर रहे हैं डॉक्टर, इतना सारा केक कैसे खा सकती हूँ अकेले में? नैना, तुम ये बिल्कुल कर सकती हो, बल्कि हमेशा करती आई। क्या वाकई कर सकती हूँ मैं? हाँ ना, सिर्फ ये नहीं बल्कि तुम तो इसे ब्रेड में रखकर भी खाया करती थी यार। हो ही नहीं सकता डॉक्टर, इतना बड़ा केक तो मैं अकेले खा ही नहीं सकती। देखो नैना, एक पीस तो लो, फिर देखना तुम कैसे ये पूरा केक तुम गायब कर दोगी। अच्छा डॉक्टर, एक बात तो बताइए आप मुझे, अगर वाकई मैं चटपटे ऑमलेट और मजेदार केक खाती रहती थी तो मुझे तो अच्छा खासा मोटा होना चाहिए था फिर। पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं सोचता जरूर था कि तुम मोटी क्यों नहीं होती। चलो शुरू करते हैं। आज तो मैं इतना ज्यादा थक चुकी हूँ कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। लगता है काफी भारी जिम्मेदारी है, खुद पे इतना बोझ नहीं डालो मैडम। पूरा दिन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। अच्छा बस बस, कुछ नहीं कह रहा। नैना, तुम्हारे होंठों के करीब केक लगा हुआ है। उस तरफ नहीं, नहीं यहाँ, ये रहा। इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, मैं देखता हूँ। रिलैक्स बॉय, टेक इट इजी। हेलो। हेलो, तुम लोग फिर घूमने निकले हुए थे क्या? नहीं, नैना को देखने आए। ये तो अच्छी बात है, ये रही नैना। वैसे खुशकिस्मत हो कि नैना फुल फॉर्म में नहीं, वरना तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी केक नहीं बचता। अरे नहीं, बैठी रहो नैना, हम बहुत करीबी दोस्त हैं, बल्कि ये समझो कि घर वाली बात है। हाँ तो नैना, मैं तो तुम्हें याद हूं ना, भूल तो नहीं गई? इजमीर में हम एक साथ काम करते थे, तुम्हारे घर चाय के लिए भी आया था मैं। मुझे थोड़ा बहुत अजमेर याद तो है, लेकिन माफी चाहती हूँ, आप लोग मुझे बिल्कुल याद नहीं। वाकई में कुछ भी याद नहीं मुझे। सुख है, कोई बात नहीं। नैना,
शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारी कंडीशन अच्छे से जानते हैं, और वैसे भी ये सब कुछ आरजी तौर पर है, तुम ठीक हो जाओगी, परेशान ना हो। क्या हमें नैना के पेरेंट्स को बताना चाहिए? नहीं आपा, अभी नहीं, पहले इसकी कुछ तबीयत बेहतर हो जाए। आई मीन फजूल में एक नया झंझट पालने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर नैना ने जल्दी रिकवर नहीं किया तो? नहीं, ये ज्यादा देर के लिए नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं जितनी जल्दी हो सका इसकी याददाश्त वापस ले आऊंगा और नैना ठीक हो जाएगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं तो बस यूं ही। रुको, मैं देख। नहीं, तुम रहने दो, मैं जाती हूँ। आबे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मतलब कि क्या कर रहा हूँ यहाँ? अरे, अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया हूँ, और क्या। तुम कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं हो गए और भूल भी गए हो कि हम सब ड्रामा कर रहे थे? ज्यादा बोलो मत, वरना मैं सिनान को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा कि ये सब तुम लोगों का ड्रामा था। अब हटो मेरे पागल हो गया तुम। आबिद, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? डॉक्टर, इस दफा तुम मुझे नहीं रोक सकते, ओके? नैना, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी क्यूट हो कि मैं अपने आप को तुमसे मोहब्बत करने के लिए रोक नहीं सकता, और आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। क्या मेरी नैना शादी करेगी मुझसे? देखो, इतना बड़ा हीरा है, इसको देख के तो हाँ करनी ही होगी। मैं से आबिद, उठो, उठो यहाँ से। डॉक्टर साहब, दूर रहिए, अब बेहतर होगा कि आप हम दोनों के बीच ना आए। आबिद, आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो? तुम्हें उसकी हालत नजर नहीं आती क्या? वो ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं है। वो तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो कब से तैयार है, और अगर आप चाहें तो इस सोफे से गवाही ले सकते हैं, क्योंकि हमने इस सोफे पे बैठकर ये सब कुछ डिसाइड कर चुके थे कि हमारी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, इवन हमने तो हॉल तक बुक कर लिया था। सोफे पे बैठ के तय किया था हमने। आबिद, मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा, तो याद रखो। बस करो तुम लोग, नैना की तबीयत ठीक नहीं, उसे आराम करने दो। मेरी बात सुनो डॉक्टर, तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, और इस तरह की जाहिलों वाली हरकतें तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती, और मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तक यहाँ पर खड़ा हुआ, और सुनो, रात में यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करना, समझे तुम? अगर तुम मुझे दोबारा नजर आए तो तुम्हारी मैं वो हालत करूंगा, कि याद रखोगे तुम? निकल जाओ फौरन यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम जेलस हो रहे हो मुझसे, फिर आऊंगा मैं। दिमाग खराब कर दिया। आबिद, जाओ तुम यहाँ से, जाओ फौरन, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी अपने हाथों से। पता नहीं क्या और फॉल बके जा रहे थे, पागल हो गए हो क्या तुम? आबिद, सच बोल रहा था यार, क्या अपने प्यार का इजहार करना भी कुछ जुर्म है? मैं तो अपने प्यार का इजहार कर रहा था, बस। बस कर दो आबिद। मत करो, तुम्हें कुछ नहीं जानती, एक मर्द का दिल एक मर्द ही समझ सकता है। जाने दो ना इसे, फजूल की बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जाओ, इंसानियत का तो जमाना ही नहीं है। रात के इस वक्त मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, मेरे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। अब क्या करूं यार, कुछ तो सोचो आबिद, क्या करना है? हाँ, याद आया, अगर ये रिंग मैं बेच देता हूं तो वो मेरे टुकड़े कर देंगे, और किसी को मेरी लाश भी पूरी साबित नहीं मिलेगी, बल्कि टुकड़ों में मिलेगी। ओफ, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे ये नैना को रिंग पहनानी होगी। फिलहाल इसे वापस रख देता हूँ। ए येलो डिंकी, क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें बेच दूं तो? लेकिन तुम्हें खरीदेगा कौन आजकल के जमाने में? ओफ, देखता हूँ कितने पैसे पड़े हैं मेरे पास। 5, 6, 7, 7.5, ये तो पूरे 7.5 हैं। चलो आबिद, किसी अच्छी सी प्लेस पे चलकर खाना खाया जाए, फिर सोचेंगे कि आज की रात कहाँ गुजारनी है, क्या करना है आगे जिंदगी में। बहुत मसाइल है। हेलो, हाँ बिल्कुल, संभाल लिया सब मैंने, और किसी को शक भी नहीं हुआ हम पे। हाँ, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। समझ गया, अब असल काम पूरा करने की बारी है। मेरे फोन का वेट करना। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, मैं नैना को यहाँ से ले जाता हूँ। कहाँ? हाँ, बस यहाँ से दूर, जहाँ वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। आपको वो फार्म हाउस याद है ना, जहाँ हम पढ़ने जाते थे? हाँ, वो कैसे भूल सकती हूँ। एक्चुअली मैं उसे वहीं ले जाने का सोच रहा था। हाँ, वैसे भी वहाँ जाने का ही अच्छा वक्त है, नैना को अच्छा लगेगा, और उस
मैंने उस आबिद से भी छुटकारा मिल जाएगा कुछ वक्त के लिए, वरना वो अपनी फजूल हरकतों से कुछ ना कुछ मुश्किल खड़ी कर देगा मेरी। ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है, जल्द ले जाओ। हाँ ले जाऊंगा, वैसे भी उसका सबसे ज्यादा ख्याल कौन रख सकता है मेरे लिए। ठीक है, मैं भी बाजल से मिल लेती हूँ, आज एज अ चीफ उसका ट्रायल डे है। तुम्हारे पास छुट्टियाँ तो बाकी है ना? हाँ हाँ छुट्टियाँ तो बहुत है बहुत है, लेकिन आप अगर आप मेरी छुट्टियाँ अप्रूव करवाने में मेरी मदद कर देंगी तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ वो तो मैं कर लूंगी, तुम परेशान। ओके, वो उस जगह का एड्रेस शायद यहीं कहीं पर था ना, मैं देख लेता हूँ। चले आप खाना बनाए, आपसे बाद में बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वैसे एक बात तो बताइए, क्या आप हमेशा ही इस तरह सुबह सुबह मुझे ड्यूटी पर ले जाया करते थे? लेकिन हम तो ड्यूटी पर नहीं जा रहे। मगर? कोई अगर मगर नहीं, और ये सुन लो कि ये डॉक्टर सिन्नान का ऑर्डर है तुम्हारे लिए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं, काम से छुट्टी। क्या हम छुट्टियों पर जा रहे हैं तो हमारी शिफ्ट कौन करेगा? फिक्र ना करो, मैंने बंदोबस्त कर लिया, और वैसे भी इस हालत में तुम काम तो कर ही नहीं सकती। मगर टोडो का क्या होगा? हाँ मैंने भी इस बारे में सोचा था, इसे हम आयला के पास छोड़ देंगे। वैसे भी तुम्हारी सेहत के लिए छुट्टियां काफी बेहतर होंगी, आई मीन कुछ अर्सा काम नहीं करोगी तो शायद थोड़ा और रिलैक्स फील करो। जी ठीक है, तो फिर मैं रूम में जाके अपना सामान भी पैक कर लेती हूँ और तैयार भी हो जाती हूँ, फिर हम चलते। हाँ तो जल्दी करो। हेलो, कैसे हो मेरे दोस्त, क्या कर रहे हो? हाँ तो बाजल, गुड लक फॉर द डे। शुक्रिया। और बाय द वे, मैं आपको याद दिला दूं कि अब हम प्रोफेशनली काम करेंगे, तो मैं आपको सारा दिन परेशान करूंगी, इसके लिए आप तैयार रहिएगा मिस्टर बाजल। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक। अली मेरे साथ आओ। वैसे डॉक्टर सिन्नान, मेरा यकीन करिए, वो जगह वाकई बहुत जबरदस्त है। आपने जब मुझे इस जगह के बारे में बताया तो मैंने फौरन जाके गूगल पे इसकी पिक्चर सर्च की। ऐसे मौसम में तो वहाँ जाना बेस्ट है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहाँ, और वहाँ हवा भी 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। वैसे तो हवा में नमी का तनासुब 68% है, लेकिन हवा की वजह से ज्यादा नमी महसूस नहीं होगी। ये जगह जबरदस्त है और इसकी लोकेशन भी बहुत परफेक्ट है। वैसे मुझे भी पता है कि ये जगह कहाँ पर है, तुम्हारा शुक्रिया बताने। इसके अलावा मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक की, ताकि हम जहाँ जा रहे हैं उसकी कुछ मालूमात तो हो। वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, लोकेशन कैसी है, ये सब पता कर लिया। बहुत अच्छा किया। और जहाँ तक मुझे मालूमात हासिल हुई है, इस शहर के बिल्कुल बीच में एक मस्जिद भी है जिसके साथ एक पार्क तामीर किया जा रहा है, और वो भी काफी बड़ा पार्क। और जानते हो, वहाँ के मेयर ने जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है। वैसे मैं ये समझती हूँ कि मैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन कर लूँ। हाँ वैसे मैं ये समझती हूँ कि मेरी जो हाइट है वो किसी भी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने के लिए आइडियल नहीं है, मगर मेरे जैसे भी ऐसे कई लोग होंगे ना जो इस फील्ड में कामयाब रहे हों। खेलों की दुनिया में तो वैसे भी खवातीन नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं। अगर मैं अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज कर लूँ और अपनी सेहत का ख्याल रखूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी स्पोर्ट्स की दुनिया में अच्छा नाम कमा सकती हूँ। तुम्हें तो पता है कि टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की हो रही है आए दिन, प्लेयर्स के तो सेपरेट न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। अब तुम खुद ही बताओ, मैं भी कर सकती हूँ ना ये सब, अगर मेरे पास सारी ये फैसिलिटीज हों, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट, पर्सनल ट्रेनर वगैरह, तो कोई शक नहीं कि मेरा इस फील्ड में बहुत स्कोप है। हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में डॉक्टर सिन्नान? अगर मैं अपनी डॉक्टर वाली फील्ड छोड़कर स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लूँ तो कैसा रहेगा डॉक्टर सिन्नान? वैसे जरूरी तो नहीं है कि एक इंसान सिर्फ एक ही काम करता रहे, कुछ और एक्टिविटी भी तो कर सकता है ना साथ साथ। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम भी कोई क्लब वगैरह ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हें भी काफी। प्लीज नैना खामोश यार, तुम तो मुसलसल बोल ही जा रही हो। तुम्हारी याददाश्त तो चली गई, लेकिन तुम हो बिल्कुल वैसी की वैसी। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, बहुत हो गया, खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम क्या तुम एक मिनट के लिए भी खामोश रहे? प्लीज खामोश हो जाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा दिमाग किसको समझा रहा हूँ मैं? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। नैना, जब तक ये डॉक्टर नैना मेरे साथ रहेगी, मैं हमेशा मुसीबत में ही रहूं। मेरा दिमाग फट रहा है और अंदर से दर्द हो रहा है अजीब सा। तुम्हें खुदा का वास्ता कि कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, अपनी इस मशीन को बंद करो और आराम करने दो मुझे। नैना, नैना मेरी बात तो सुनो, वापस आ जाओ प्लीज। नैना प्लीज देख के, नैना नैना नैना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ऐसा लगा जैसे जैसे क्या? तुम्हें कुछ याद आया क्या? हाँ हाँ बताओ ना मुझे। नहीं तो कुछ याद नहीं आया नैना। आई एम सॉरी,
गलती हो गई मुझसे। मैं आइंदा कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा जब तक तुम्हारी याददाश्त ना आ जाए, और ना ही चिल्लाऊंगा तुम पर। अब चाहे तुम जितना भी बोलो, मैं चुपचाप सुनता रहूंगा तुम्हारी बात। देखो, अब हम पहाड़ी पर जाएंगे और वहां बहुत सारा एंजॉय करेंगे, और मौसम भी कितना अच्छा है। चलो चलते हैं, हमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो। मुझे बेल्ट बांधना नहीं आता। लाओ, मैं कर देता हूँ। नैना नैना, वैसे तुम सब कुछ भूल गई हो सिवाय बातें करने के। तो अब चलें क्या? हाँ।